नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा, फैशन स्टडीज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको 2.25 मीटर कपड़े में सलवार बनाना बता रही हूँ, बिल्कुल ही आसान तरीके से। देखिए, ये 2 मीटर कपड़ा है और इसमें ये डिजाइन बना हुआ है। ये देखिए, बंदेज का कपड़ा है, इसमें दोनों ही पोंछों पर ये डिजाइन है, इसलिए इसको हम बिल्कुल इजी तरीके से बनाएंगे। ये इस तरह से आप डबल फोल्ड कर लीजिए। देखो, ऐसे मैंने चौड़ाई में कपड़े को मोड़ा है। ये देखिए, सबसे पहले ऐसे, फिर मैंने इसको चौड़ाई में मोड़ा। चौड़ाई में मोड़ने के बाद मैंने इसको इस तरह से 4 तह बना दी। ये देखिए, इस तरह पकड़ करके और आप इसको इस तरह से बिछा लीजिए इस प्रकार। और अब देखिए, ये 4 तह हैं, 1, 2, 3 और 4। और खुली साइड मैंने बाहर की साइड रखी है और वन साइड जो है वो मैंने अपनी तरफ रखी है। अब इस सलवार की जो लंबाई है वो 38 इंच तैयार है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए, इसको हम इस प्रकार से लाइन लगा करके और इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इंची टेप से इसको सीधा कर लेना, या किसी स्केल से छोटे कुत्ते से भी आप इसको इस प्रकार निशान लगा लेंगे। ऐसे निशान लगाने के बाद फिर जो है, अब ये देखना, लंबाई मेरी 38 इंच है और 38 में मैं 3 जमा करूंगी तो ये हो जाएगा मेरा 41 इंच। 41 इंच में से मैं 8 इंच माइनस कर दूंगी बेल्ट। तो इस प्रकार मैंने 8 इंच माइनस कर दिया और मेरी टोटल लंबाई है 41 इंच। ये देखिए 8 इंच मैंने, ये देखो, 8 इंच मैंने माइनस कर दिया और 41 पे मैंने निशान लगा लिया। ये देखिए, यानी कि 33 इंच, ये हमारा 33 इंच आएगा। अब इसको बिल्कुल इस तरीके से सीधी लाइन लगा लेंगे इस प्रकार, इसकी सीधी लाइन लगा देंगे। लगाने के बाद अब देखना, मैंने आसन जो है वो 8 इंच माइनस किया था। ये देखिए, इस प्रकार से 8 इंच माइनस करने के बाद मैं इस सलवार का जो आसन है वो 17 इंच लूंगी, ठीक है। 1 इंच सिलाई में चला जाएगा और ये आसन जो है वो हमारा 16 इंच तैयार रह जाएगा। इस प्रकार से देखिए, मैंने इसको 9 इंच लिया है। इस तरह से 9 इंच लेने के बाद अब आपको क्या करना है, क्योंकि इसका जो घेरा है वो 22 इंच है, यानी कि 22 × 44 इसका घेरा इतना आ जाएगा सलवार का जब हम खोलेंगे। और अगर इसको कुछ हैवी बनाना है इसी के अंदर, तो हम क्या करेंगे, देखिए, यहाँ से मैं मोरी लूंगी। मेरी मोरी जो है वो मैं 7 इंच रखूंगी, 7 इंच मोरी, और उसमें 1.5 इंच मार्जिन होगी सिलाई के लिए। इस टोटल लंबाई का हम हाफ कर लेते हैं, तो 33 है तो 17 पे हम ये यहाँ एक निशान लगा देंगे और इसको इस प्रकार से निशान लगाएंगे। जरा ध्यान से देखना, इस तरीके से इस कपड़े में हम जोड़ करके बेल्ट लगा लेंगे। और जो ये हमारा ऊपर का जो कपड़ा आया है, इसको मैं काट देती हूँ, ध्यान से देखना, इसको मैं काट दिया। इस प्रकार से हाथ रखते हुए इसकी आप कटिंग करिए। कटिंग करने के बाद ये हमारा कपड़ा जो है बच गया है। इस बचे हुए कपड़े को अब हमने क्या करना है, भारी सलवार के लिए, देखो, अगर हमें सिंपल सलवार लेनी है तो हम इस तरीके से इसको काट देते हैं। मैं इसी में आपको बता देती हूँ, इसको हम इस प्रकार से काट देंगे,
इस तरीके से अगर हमें हल्की सलवार लेनी है तो, लेकिन हम इस सलवार को थोड़ी सी भारी बनाएंगे तो भारी किस प्रकार बनाएंगे? अब ये देखिए, इस कपड़े को इस प्रकार देखो चार तह कर लेंगे, तो ऊपर से जो कपड़ा बचा था उसके मैंने चार तह कर दी। चार तह करने के बाद अच्छे से इस प्रकार से, और इसको ऐसे रख लेंगे इस प्रकार से। इसमें से हमें बेल्ट भी चाहिए, तो बेल्ट के लिए हमें 8 इंच कपड़ा चाहिए था, तो हम यहाँ पर फोल्ड करके 4 इंच रख लेंगे। जब हम इसको खोलेंगे तो ये 8 इंच आ जाएगा इस प्रकार से, और इसको हम सीधी लाइन लगा देंगे। ये तो हमारी आ जाएगी बेल्ट, ये हमारी बेल्ट, ठीक है, इस प्रकार की बेल्ट आ जाएगी। और ये जो कपड़ा है अब देखना, 9 इंच मैंने आसन लिया, इसको बिल्कुल इस तरह मिला लो, यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा है, इसको हम काट देंगे इस प्रकार से। 9 इंच हमने इसका आसन लिया, यहीं से लेंगे 9 इंच, और 2.5 इंच अंदर की तरफ लेकर के, और इसको हम यहाँ मिला देंगे। देखिए इस प्रकार से हम इसको मिला देंगे, और यहाँ पर इसकी गोलाई कर देंगे। ये देखिए, अब ये ऐसा करने से ये जो है, देखिए हमारी जो सलवार है वो अच्छी खासी खूब भारी सलवार बन जाएगी। और इसको और भी अगर ज्यादा भारी बनाना है तो इसको हम यहाँ पर भी ले सकते हैं, और इस कपड़े में से हम अपनी बेल्ट निकाल सकते हैं। वो आपकी इच्छा है कि आपको ज्यादा हैवी सलवार चाहिए तो आप इस घेरे को पूरा भी इस तरह से रख सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको देखो एक सलवार यहाँ से यहाँ बताई आपको, दूसरी सलवार में मैंने आपको छोटी कली लगा करके इस तरह से आपको सलवार बताई, और ज्यादा भारी सलवार बनानी है तो आप यहाँ से और इसको इस प्रकार से गोलाई देते हुए और यहाँ से कटिंग कर लेना, इसको मत काटना। और ये जो कपड़ा हमारा बच जाएगा इसमें हम जोड़ लगा के और बेल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ तक तो है ही 11, 11 दूनी 22, तो हम यहाँ पर जोड़ लगाकर भी हम बेल्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको जो है ज्यादा हैवी ना बनाते हुए इसकी मैं देखो अब इस तरह से कटिंग कर दूंगी इस प्रकार से। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आप छांट ले इस तरह से, और इसको इसी प्रकार बिछाते हुए और इसकी आप ऐसे कटिंग कर ले इस तरीके से। इस प्रकार से इसकी कटिंग कर लेंगे, और यहां से ये एक्स्ट्रा है इसको हम इस प्रकार से लेते हुए और इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद और ये देखिए हम इसको इस प्रकार से लेते हुए ये मैंने थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन यहाँ पर रख लिया है, बाकी में मैंने सिलाई का कोई भी मार्जिन नहीं रखा। अब ये हमारी देखिए सलवार जो है इस प्रकार से ये सलवार देखिए तैयार हो गई है। ये दो हमारे पैर हैं, एक और दो, इस सलवार के दो पैर हो गए, और ये चार कली बाद में एक्स्ट्रा जोड़ेंगे इसके साथ। अब एक चीज और मैं आपको इसमें बताती हूँ, यहाँ से 1.5 इंच इधर से लेकर के और इसको ऐसे तिरछा मिला दो इस तरीके से ऐसे। ये इसलिए मैंने मिलाया है, जब हम सलवार बनाते हैं और प्लीट डालते हैं तो वो सारी प्लीट यहाँ पर इकट्ठी होती है, इकट्ठी होने से जो है सलवार नीचे की तरफ
ज्यादा नीचे हो जाती है और वो पैरों में उलझती है, इसलिए आप जो है ये 1 इंच लेकर के इस प्रकार तिरछा मिला दे तो आपकी जो सलवार की फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। इस तरह से ये मैंने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दिया है इस प्रकार, इस तरह से जितना भी, क्योंकि यहाँ प्लीट जब डालते हैं तो ज्यादा हैवी से भारी हो जाती है सलवार और नीचे दिसलते। और ये ध्यान रखें यहाँ ये क्रीज सलवार की जो है सेंटर क्रीज है, यहाँ पर एक कट जरूर डालें। जब भी आप प्लीट डालेंगे तो ये प्लीट जो है सेंटर में आनी चाहिए। जब मैं सलवार सिल करके बताऊंगी अगले पार्ट में। और ये आपकी सलवार तैयार हो गई है। अब इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे, जैसा कि मैंने देखो ये निशान लगाया था, ये देखिए ये मैंने निशान लगाया था, इसको इसी प्रकार से रखेंगे और इसको अलग कर देंगे। ये देखिए ये देखिए ये हमारी सलवार की बेल्ट है, इसमें थोड़ा सा जोड़ आ जाएगा तो इसमें से हम इसमें जोड़ लगा लेंगे सिलते वक्त, ये इस तरह से। और ये मेरी जो 26 इंच की मैं बेल्ट रखूँगी तो इस प्रकार ये जोड़ लगा करके मैं इसको पूरा कर दूँगी। तो ये आपको मैंने सलवार बनानी सिखाई है बिल्कुल ही इजी तरीके से, और आपको मेरा बताने का तरीका, सिखाने का तरीका पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।